हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको चूड़ीदार ड्रेस एंड ब्लाउज में जो हैंड डिज़ाइन होता है वो बनाना बताऊंगी। एक डिज़ाइन है वो बनाना बताऊंगी, बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है, आप देखिएगा जरूर इसको एंड तक वीडियो। देखिए, सबसे पहले मैं हैंड्स, ये जो स्लीव है हमारा उसका राउंड कटिंग कर रही हूँ। स्लीव कटिंग ये मैंने कट कर लिया है। मैंने इसका नीचे से जो 1 इंच मार्क लगाया है ये देखिए नीचे से, अब हम इसको क्रॉस में ले लेंगे। क्रॉस में करते हुए इसको डिज़ाइन बनाएंगे। अब इसको हम कट कर देंगे। ये मैंने इसको कट कर दिया है। ये देखिए, कटिंग के बाद कैनवास लेंगे। 1.5 इंच मैंने इसका विथ लिया है, डबल में विथ है ये, और इसका लेंथ 4 इंच है, और ऊपर और नीचे की साइड में 1/2 इंच हम रख देंगे। 0.6 का हम इसको लीफ का आकार एक डिज़ाइन बनाएंगे। ये देखिए, एक डिज़ाइन बना रही हूँ मैं, 0.6 लिया है मैंने इस डिज़ाइन को बनाने के लिए। जो इसका एक्स्ट्रा कैनवास था वो मैंने इसको कट कर दिया है। अब हम एक कपड़ा लेंगे, कपड़े पे इसको रख के रफ स्टिच करेंगे। ये देखिए, मैंने स्टिच कर दिया है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर देंगे। अब एक्स्ट्रा कपड़े को हमने कट कर दिया है, अब इसको हम स्टिच करेंगे इसके ऊपर। जैसे कि ये जो स्लीव में बैक साइड जाएगा तो फिनिशिंग अच्छे से इसमें आएंगे। मैं स्टिच कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करूं, और वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। देखिए, मैंने इसको लिया है डिज़ाइन को हमारे, और कट भी कर दिया है। अब मैं इसको स्लीव में अटैच कर रही हूँ। मैं स्टिच कर रही हूँ इसको। इसको बिल्कुल मिडिल में ही लेना है हमें, साइड में नहीं लेना है। इसको स्टिच करते समय ध्यान रखना है कि ये साइड में स्लिप ना हो। अब हम इसको कट कर देंगे। ये देखिए, यहाँ पे ये कटिंग कर रही हूँ मैं। इसको कटिंग करते समय हमें ध्यान रखना है कि हमारा स्लीव कटिंग नहीं होना चाहिए। अगर हमारा स्लीव कटिंग हो गया है तो हमें फिर से स्लीव दूसरा बनाना पड़ेगा। जिसकी कोने हैं उनको हमें हल्का हल्का कट लगाना है, और कट जहाँ तक हमने स्टिच किया है वहीं तक ही लेना है। इसको बैक साइड कर देंगे हम। इसकी फिनिशिंग करेंगे, कैनवास होती है तो कैनवास में ऐसे ही फिनिशिंग आ जाती है हमें थोड़ा सा इसको रफ करने से ही। 1.5 इंच का मैंने क्रॉस कट पट्टियाँ ली है। अब इन क्रॉस कट को हमें ज्वाइंट करना है सबसे पहले। ये देखिए, मैंने ज्वाइंट किया है। अब मैं इसको स्लीव जो हमारा डिज़ाइन है उसको बैक साइड लेके ही इस पे ये जो हमारा लेस है, ये पट्टी है, ये क्रॉस कट उसको मैं अटैच कर रही हूँ। ये क्रॉस कट मैंने इसलिए लिया है क्योंकि हमने ये क्रॉस में जो कटिंग किया है उसके लिए हमें क्रॉस कट पट्टी चाहिए इसमें। अब हम इसकी पट्टी की फिनिशिंग स्टिच करेंगे। ये देखिए, मैं फिनिशिंग स्टिच कर रही हूँ। जी, फिनिशिंग स्टिच है ये हमारे पिंक पे ही होने चाहिए। अगर ये येलो पे स्टिच होगी तो बैक साइड में शो होगी और अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए स्टिच करते समय ध्यान देना है कि इसका स्टिच नीचे की साइड से पिंक पे ही आए। ये स्टिच हो गया है। अब इसको मैं लेस बना रही हूँ। ये देखिए, 1/2 इंच का जो हमारा अभी ये जो मैंने क्रॉस कट कटिंग किया था डिज़ाइन का हल्का सा, तो उसमें भी देखिए फिनिशिंग से अच्छे से आ रही है। इसमें स्टिच करते समय हमें ध्यान रखना है कि बैक साइड ये जो पिंक कलर का कपड़ा है हमें फ्रंट साइड में शो नहीं होने देना है। देखिए, स्टिच हो गया है और मैंने लेस ली है। लेस बनाइए पहले, और लेस का वीडियो मैंने आपको, डोरी और लेस एक ही बात है, तो इसका वीडियो मैंने आपको पहले ही एक वीडियो अपलोड कर दिया था, फुल डिटेल में बताया, और उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी जिससे कि आप उसको देख सकते हो अच्छे से। ये देखिए, अब डोरी को हमें लगाते समय आप इसको प्लेन भी लगा सकते हो और नॉट बनाते हुए भी लगा सकते हो।
मैं इसमें नोट बनाते हुए लगा रही हूँ और एक एक डोरी में प्लेन लगा रही हूँ कि मैं स्टिच कर रही हूँ। अब जैसे सेकंड साइड से फर्स्ट साइड तो हमने इसको लगा लिया, अटैच कर दिया। अब जैसे मैं दूसरी साइड से स्टिच कर रही हूँ तो हमें स्टिच करते समय ध्यान रखना है कि ये जो डोरी है हमारी टाइट भी नहीं होनी चाहिए और लूज भी नहीं होनी चाहिए। इसका फर्स्ट स्टिच कंप्लीट हो गया है। अब इसको सेकंड स्टिच करेंगे जिससे कि हमारी जो डोरी है तो वो अच्छे से कवर भी हो जाएगी और नहीं जल्दी से हमारी ये रिमूव होगी और जो डिज़ाइन है उसमें भी फिनिशिंग अच्छे से आएगी। देखिए मैं एक स्टिच और करती हूँ अभी। और फ्रेंड्स हमारा ये डिज़ाइन बन के तैयार हो गया है। ये देखिए हमारा डिज़ाइन बन के अच्छे से तैयार हो गया है। कितना अच्छा डिज़ाइन लग रहा है स्लीव का। और फ्रेंड्स मैं नेक्स्ट वीडियो में सेम पटियाला का आपको कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी, वो भी आप प्लीज़ देखिएगा। और थैंक यू सो मच फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए।